हेलो गाइस, वंस अगेन बैक, आप सबका फिर से स्वागत है एक और नए एपिसोड में। आज एक कंट्री, मैं गल्फ कंट्री के बारे में नहीं बताऊंगा, आज एक अलग कंट्री के बारे में बताऊंगा जो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के लिए एक महीने के लिए फ्री विजिट है। आपने बिल्कुल सही सुना, आपको इसके लिए वीज़ा का कोई भी पैसा भरने की ज़रूरत नहीं है। ये उन लोगों के लिए जो एज पर अ सोलो ट्रैवलर या फिर ट्रैवलिंग पर्पस या फिर चाहे तो और भी कुछ बिजनेस की पर्पस में भी आप विजिट कर सकती हो, क्योंकि बहुत ही अच्छा कंट्री है। बहुत ही एक यूरोप में कंट्री है जिसका नाम है सर्बिया। आप इस कंट्री में विजिट कर सकते हो। यहाँ पर इंडियंस के लिए पासपोर्ट में वीज़ा होना ज़रूरी नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ है, आपको PCR टेस्ट करना होगा, होटल के बुकिंग टिकट्स कंपलसरी है और रिटर्न फ्लाइट टिकट्स बस इतना ज़रूरी है। और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट बहुत ही क्लियर है। इंडिया से अगर आपको जाना है तो दिल्ली से है फ्लाइट है, दिल्ली से आप वाया करके आपको जाना पड़ेगा। दुबई में अभी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन ट्रांजिट पे अभी तक कोई बैन नहीं है। दुबई में एंट्री करने में खाली बैन लगाया है, ट्रांजिट में कोई बैन नहीं है, ट्रांजिट कर सकते हो आप, आपको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको और भी डिटेल जानना तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट कीजिएगा। एक महीने के लिए जो भी इंडियन से वो सर्बिया में विजिट कर सकता है, ओनली 30 डेज, इससे ज़्यादा मत रुकना। अगर इससे ज़्यादा अगर आप होल्ड करने का सोच रहे तो आपको वीज़ा लेना पड़ रहेगा। अगर आप इलीगली रुकोगे तो फाइन बहुत बड़ा लगेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं यार जो ऐसी चीज़ों को मतलब इलीगली थ्रू उसका यूज़ करते हैं और बाकी इंडियंस और जो एशियंस हैं उनका नाम खराब करते हैं। आप वहाँ जाते रहते हो और उसके बाद कोई और कंट्री में जम्प करते, तो ऐसा ना करें। कंट्री अगर आपको सपोर्ट करे तो उसका रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि सर्बिया का एक लौता कंट्री यूरोप में जिसने इंडियंस के लिए अभी के सिचुएशन में एक महीने के लिए वीज़ा फ्री किया है। सर्बिया एकदम कूलेस्ट कंट्री है, आप एक बार विजिट करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। और भी कई सारे उसके ब्लॉग है। 9 मंथ्स पहले जब मैं भी इसका जब देखता था यूट्यूब पे, तो माउंटेन ट्रैकर का एपिसोड में वॉच करता था। अगर आप चाहे तो माउंटेन ट्रैकर का यूट्यूब चैनल है, आप चेक कर सकते हो। तो इन्होंने पहला एक्सप्लोर किया था इंडिया से सर्बिया किस तरह जाना है, कितना कॉस्ट होगा, वहाँ का रहना कैसा है और वहाँ से आपको और भी क्या एक्सप्लोर करने को मिलेगा। अगर आपको इंटरेस्ट है सर्बिया में जाने के लिए तो आप विजिट कर सकते हो, उसके वेबसाइट में डायरेक्ट है, आपको इमिग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। बस हाँ, होटल टिकट, रिटर्न टिकट और PCR का टेस्ट चाहिए बस सर्बिया में विजिट करने के लिए। तो गाइस, बस एक छोटा सा वीडियो था, होपफुली एंजॉयबल रहा होगा। बाय एंड टेक केयर।